भारतीय राजनीति में इन दिनों चुनाव का माहौल गर्म है। 5 राज्यों के अतिरिक्त देवभूमि की धरती उत्तराखंड में भी नगर निकाय चुनाव अपने रंग में रंगता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन प्रत्याशियों के टिकट वितरण के बाद पार्टियों के बागी भी चुनाव मैदान को और गर्म कर रहे हैं। भाजपा में बागियों की संख्या अधिक देखी जा रही है। भाजपा की निकाय चुनाव पर क्या रणनीति है, इसी विषय पर भाजपा के प्रदेश महामंत्री नरेश बंसल से चर्चा की हमारे संवाददाता शुभम गुप्ता ने। देखिए यह खास रिपोर्ट। इंडिया में मैं इस वक्त आपके साथ शुभम कुमार गुप्ता और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश चुनावी यात्रा। देश भर में चुनाव का माहौल है। 5 राज्यों के अलावा देवभूमि की धरती उत्तराखंड पर भी निकाय चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं। सभी प्रत्याशी क्षेत्र में जा रहे हैं जनता को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए, विभिन्न तरीके से वायदे भी कर रहे हैं। इस समय भाजपा कार्यालय पे हैं, प्रदेश महामंत्री हमारे साथ हैं, इनसे चर्चा करेंगे विभिन्न मुद्दों पर। सर सबसे पहले तो स्वागत है आपका। नमस्कार, धन्यवाद। सर 5 राज्यों के चुनाव हो रहे हैं, वहीं उत्तराखंड में नगर निकाय चुनाव हो रहे हैं, किस प्रकार से माहौल देखते हैं? नगर निकाय चुनाव उत्तराखंड में जिस स्थिति में हो रहे हैं, सरकार 1.5 वर्ष की हमारी सरकार है, उसने जो व्यापक काम किए हैं, जिस प्रकार से प्रदेश के अंदर नए नए इंस्टीट्यूशंस लाना, सीपेट है, NIFT है, NIIT है, और देवबंद रुड़की रेल लाइन है, ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन है, ऑल वेदर रोड है, पेयजल के लिए केंद्र से सहायता है, 3600 करोड़ रुपए की सहकारिता में सहकारिता आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए केंद्र का फंडिंग 3600 करोड़ रुपए की है, और भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस। पहली बार देश ने ये देखा है कि जो SDM लेवल के, जिनके आदेश से व्यक्ति जेल जाता था, जिनके आदेश से जेल से बाहर आता था, उस स्तर के अधिकारी भी आज जेल में हैं और पुख्ता सबूतों के साथ हैं। उनकी अभी तक भी लगभग, मुझे लगता है 6-7 महीने हो गए, जमानत नहीं हुई। तो 2 दर्जन से ऊपर ऐसे लोगों का जेल जाना, 2 IAS का सस्पेंड होना, और जिस समय हमारी सरकार आई तो स्वास्थ्य विभाग की खस्ता हालत थी, उसको पटरी पर लाए, डॉक्टरों की 1000 डॉक्टरों की नियुक्ति की, परिवहन मंत्रालय 150 करोड़ के नुकसान में था, उस नुकसान को पाटकर आज उसको लाभ की स्थिति में ले जाए, बिजली विभाग उसको लाभ की स्थिति में लेकर गया है। तो जिस प्रकार से सारी सरकार की नीतियों के अंतर्गत काम हुआ है, अभी अभी 2-3 काम हुए, तुलना करेंगे अगर तो कांग्रेस के समय में राजधानी में 2 फ्लाईओवर बने, एक बल्लीवाला का, एक बल्लूपुर का। सर कांग्रेस, बीच में रुकना चाहूंगा, कांग्रेस कह रही है कि केंद्र के वायदे दिखा रहे, 4-4.5 साल मोदी सरकार हो गए, जैसा आपने कहा 1-1.5 साल भाजपा प्रदेश सरकार हो गई, कह रहे कि स्थानीय मुद्दे हावी होते हैं, लेकिन स्थानीय मुद्दों से वो दूर भागे जा रहे हैं भाजपा। जितने केंद्र सरकार के और प्रदेश सरकार के काम हैं वो उत्तराखंड की धरती पर ही है, वो स्थानीय लाभ है। अब ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन बन रही है तो वो सब जहां जहां से होकर के जाएगी, वहां विकास का काम हो रहा है कि नहीं? हमारे आने के बाद हमने फिल्म नीति में इतना परिवर्तन किया कि आज फिल्मों की शूटिंग के लिए उत्तराखंड देश में सबसे पसंदीदा स्थान बन गया। तो आय बढ़ेगी कि नहीं, टूरिज्म बढ़ेगा कि नहीं, होटलों की बढ़ेगी कि नहीं? तो इस प्रकार से सारे काम स्थानीय, सड़क है, नाली है, इस पर खूब काम हो रहा है। पहली बार आपको मैं बताता हूं, देहरादून का नगर निगम स्थानीय निकाय में 14-15 में नगर निगम की फंडिंग 35 करोड़ बजट, 15-16 में 35 करोड़, 16-17 में 35 करोड़, हमारे आने के बाद 17-18 में 35 करोड़ से बढ़कर 101 करोड़ हमने किया, 3 गुना। तो वो नालियों पर तो लगा है, उससे सड़कें ही बनी है, तो नाली सड़क सफाई हमारी प्राथमिकता में है। इस मुद्दे से हम भाग नहीं रहे, इस मुद्दे को लेकर चल रहे हैं। हमने सफाई व्यवस्था में रात को भी आधुनिक मशीनों से भी सफाई की व्यवस्था, ट्रेंचिंग ग्राउंड को हमने उधर सेसपुर में ले जाकर के वहां पर उसका ट्रीटमेंट करना, ये सारी चीजें कर रहे हैं। स्थानीय निकायों की फंडिंग बढ़ी है,
और नगर निगमों की आय भी बढ़ी, अभी और बढ़ेगी। पहली बार हमें करने जा रहे हैं नगरों में 142 एमएलडी पानी मिलता था, हम सोमवार बनाने जा रहे हैं, दो साल के अंदर सोमवार बन जाएगा, उससे 212 एमएलडी पानी देहरादून में मिलेगा 24 घंटे। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज।